सोचा नीता हल्द्वानी आने से पहले ऐसा होगा। गाड़ी वाला थंबनेल लगाएंगे आज। बंद नहीं करना था क्या? सारा भाई रील बनानी नहीं आती ना। हेलो कुलाली, क्या हाल है? बढ़िया। पीयूष कहाँ है? So, hey guys, good morning, welcome back to the new episode, guys. इस vlog की शुरुआत और ये straight forward from हल्द्वानी, guys. हम लोग जल्दी उठ गए थे, almost 10 बजे. फिर सुबह उठ करके vlog edit करा और check करा यार, हल्द्वानी में ना भयंकर गर्मी हो रही है. दिन में यहाँ पर जितनी गर्मी है ना guys, रात को यहाँ पर उतना ही ठंडा है. फिलहाल अभी बाकी सब लोग भी उठ चुके हैं guys. सारा सब लोग सामान सामान पैक कर रहे हैं. मेरी भी सौरभ भाई से बात हुई थी, सौरभ भाई भी जस्ट आ रहे हैं. हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट नहीं करा. हम लोगों का प्लान है गाइस कहीं बाहर ब्रेकफास्ट करने का. सो बस होटल से चेकआउट कर रहे हैं, बिकॉज होटल वाले बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद फुल डे का चेकआउट लगता है. भाई मैंने अपनी आधी जिंदगी ना होटल्स में बिताई है गाइस, बट हल्द्वानी का क्या है, इस होटल का नाम क्या है? शीतल. भाई बहुत खराब मैनेजमेंट है गाइस इधर. ये फर्स्ट एंड लास्ट डे होगी मेरे इस होटल में. एंड पता है हम लोग क्यों रुके यहाँ पर? बिकॉज रात को ना हमें बहुत लेट हो गया था एंड देन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था कहीं और जाने का. बट बहुत खराब मैनेजमेंट है गाइस, एंड आई वोंट सजेस्ट यू कि आप यहाँ पर रुको. फिलहाल अभी सामान सामान पैक करें गाइस और सीधे सीधा कार में रखते हैं. तो गाइस वी आर फाइनली चेकिंग आउट फ्रॉम द होटल्स रूम एंड सारा सामान ऑलरेडी नीचे जा चुका है. सारा सामान जीटी में लोड भी हो चुका है. बस सौरभ भाई का वेट करें गाइस. एंड लास्ट में रिमेंबर मैं उनसे ना अपने घर में मिला था. भाई मैं तो बोला था सामान लूट के, सामान तो भारी पड़े. भरते हैं गाइस इसे जीटी के अंदर. ये बाबू भैया की जनता है. फिलहाल गाइस सौरभ भाई आ चुके हैं. सौरभ भाई क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं? चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए. ब्रेकफास्ट के लिए लेट्स गो गाइस, निकलते हैं. अपने भाई को दिखाऊंगा, दोनों से मिल लिया हमें. बढ़िया भाई. ओके गाइस बाय बाय. रेप के लिए तैयार हो ना? रेप के लिए. So guys, finally we are leaving from here and सौरभ भाई को हमने बैठा लिया अपनी गाड़ी में. हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं. पहले हम लोग जा रहे हैं सौरभ भाई के सोसाइटी में, वहाँ ही ड्रॉप करेंगे बिकॉज इसको बाहर लेकर के जाएंगे ना तो बहुत भसड़ हो जाएगी. अभी फिलहाल ये लोग रेफ का वेट कर रहे हैं. सो दो तीन बम्स मारते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से. चलो ठीक है, बाय बाय गाइस. तो भी गाइस मैं बैठ गया हूँ भाई की गाड़ी में, मस्टैंग जीटी में. मैं फर्स्ट टाइम बैठ हूँ इस गाड़ी में और अभी हम जा रहे हैं हमारी सोसाइटी. इस गाड़ी को सोसाइटी में खड़ी करेंगे बिकॉज मार्केट में ले गए ना भाई, वहाँ तो भीड़ लग जाएगी इस गाड़ी को देख के. गाड़ी को सब पे जानते हैं ना, तो गाड़ी को सोसाइटी में खड़ी कर देंगे और फिर फॉर्च्यूनर लेके चलेंगे. आपको पता है सुबह भी लाइक बहुत भीड़ थी यहाँ पर, फिर तो होटल वालों ने बताया. आपको देख के तो भीड़ लग जाती है मालिक, हमारे 20 मिलियन नहीं है ना. लेकिन शाहरुख खान वाला फैन बेस तो आपका है. ओ भाई ये वो चल रहा है क्या, मतलब वो रोस्टिंग वाला चल रहा है क्या? नहीं नहीं वो आजकल वो सम्राट भाई के साथ मैंने वो रोस्ट करा था ना, तो उसमें भी ऐसे ही हम लोग एक दूसरे पे पन मार रहे थे. तो वही कर रहे हैं सौरभ भाई आप भी? नहीं नहीं नहीं. तो यार हम लोग पहुंच गए हैं सौरभ भाई के घर. ये रही हमारी जीटी और ये रहा इनका घर. और द थिंग इज गाइस अभी हम लोग यहाँ से ना सौरभ भाई की गाड़ी में चेंज करेंगे बिकॉज जीटी लेकर के घूमेंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी एंड फिर घूम नहीं पाएंगे कहीं पर भी. सो बस ब्रेकफास्ट करने चले हैं सुबह से. मालिक कुछ मालिक कुछ खिला दो मालिक. अच्छा हाँ तुम्हारे पास तो वो है बढ़िया.
जूलू का बड़ा वर्जन, जूलू का बड़ा वर्जन आ गया गाइस। पहुंच गए गाइस हम लोग, सब आ गए गाइस, सब लोग ऐसे मिलते हैं, आंटी अंकल से मिले, मेरे को जमाना आ गया। मुझे पता है, मुझे पता है जूलू के बारे में। जूलू हम जानते हैं, आपके जैसा कुत्ता है हमारे घर में। ठीक है सर, भाई पार्किंग में लगा देते आपके घर। और जो भीड़ आ रही है ना, उससे 10 गुना भीड़ रहेगी फिर इनके घर के बाहर। जूलू की खुशबू और सैंडी की खुशबू आ रही है हमसे, इसलिए वो थोड़ा शांत हो रखा है। तू क्या सुन रहा है यार? सुन रहा हूँ, खड़ा हुआ तो काट दे लेकिन काटेगा नहीं। प्रणाम करो, फोन को भी करो। इनको जानते हो? इनको जानते हो? नहीं जानते? हेलो कुनाली, क्या हाल है? बढ़िया, मैं जानता हूँ। लेकिन आपको कितने लोगों को भिगा दिया है सुबह से, ये तो बताओ। इस गन से खोली खेली सुबह से आपने? वाटर गन थोड़ी ना है। वाटर गन ही तो है। नहीं वाटर गन नहीं है। अच्छा ये वो, अच्छा बढ़िया गाइस। फिलहाल गाइस हम लोग सौरभ भाई के घर पहुंच गए थे एंड अभी थोड़ा सा यहीं पर बैठेंगे, फिर उसके बाद आराम से निकलेंगे। और बहुत गर्मी है भाई, हल्द्वानी में इतनी गर्मी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। बहुत गर्मी है गाइस भाई। क्या क्या दिक्कत है? हाँ क्या दिक्कत है ओरियो? क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? हाँ ओरियो देखो, मकर भाई काटेगा फिर। हेलो गुलाली, क्या हाल है? बढ़िया। पीयूष कहाँ है? स्कूल चल रहा है। ओके सौरभ भाई, थैंक यू अपने घर बुलाने के लिए। व्लॉगर्स लाइफ यही चलती है गाइस। और आजकल ना ये थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है सौरभ भाई। 20 मिलियन करने के लिए क्या करना पड़ता है? 20 मिलियन करने के लिए मीटअप करना पड़ता है और नई नई गाड़ियां लेनी पड़ती है। मुझे लगा था पीयूष को दिखाना पड़ता है गाइस। बट गाइस इट इज रियली फन, बहुत अच्छा लगता है जब अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलते हो। फिलहाल ये GT हम लोग यहीं पर पार्क कर रहे हैं और बहुत गर्मी हो रही है भाई हल्द्वानी में, सच्ची में। थैंक यू भाई आने के लिए। ये मेरे घर के बाहर अच्छी लग रही है, सेफ है सौरभ भाई। यहाँ तो हमारे घर, मेरी तो रोड पे खड़ी होती है बाहर घर में। गाड़ी वाला थंबनेल लगाएंगे आज। इधर से लो, इधर से 5 लाख कमेंट हो ही जाने चाहिए इस ब्लॉग पर, देखते हैं। वैसे तो मेरे को 20 मिलियन के हिसाब से कम 2-3 मिलियन तो बोले थे। नहीं मेरे नहीं आया आज तक कभी। 5 लाख कमेंट, चलो देखते गाइस। सौरभ भाई की जनता देखते हैं इस वाले व्लॉग पे 5 लाख कमेंट हो पाते नहीं हो पाते, और कितना टाइम होते देखते हैं। सौरभ भाई के साथ गाड़ी लगा दिया बीच में। आंटी बोल रही है GT से आवाज आ रही है, शुक्र है H2 लेके नहीं आया, कॉलोनी में घुसने भी नहीं देते। फिलहाल अभी रील चेक करो गाइस। आ जाओ पंच। अच्छा गाइस मुझे रील बनानी नहीं आती। बोल क्यों रहे हो सौरभ भाई? एक और टेक लेंगे सौरभ भाई, आपने बोल दिया इसमें। अच्छा बंद भी करना था क्या? बोल दिया सौरभ भाई। रील बनानी नहीं आती ना गाइस, मैं रील बनाता नहीं। ये 5वां टेक ले रहे हम लोग सौरभ भाई के साथ। अरे मैं रील बनाता नहीं हूँ ना। कोई नहीं, बस बोलना बता, दो ही चीजें करनी है, बोलना नहीं है बस। आपका स्टाइल सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। इसको मार्केट में लेके जाओगे? ये कह रहे हैं कि नैनीताल लेके जाएंगे, पता नहीं कैसे लेके जाएंगे इसको नैनीताल भाई। क्यों? नैनीताल रोड तो सही है, रोड तो सही है, बट वहाँ लोग पकड़ लेंगे आपको, इसलिए हम लोग लेट नाइट निकलेंगे ना। सो गाइस हो गई रील, आधे घंटे बाद शूट। सौरभ भाई कॉलोनी ले जाएंगे, कुछ नहीं होता, देख लो आप, मैं तो कर दूंगा। आवाज करना एक बार, थोड़ी सी करो ना। हेलो आंटी नमस्ते, कैसे हैं आंटी आप? बढ़िया जैसे। हम लोग आंटी से कितने बारी मिले। आंटी आप जवान, आप उल्टा चल रहे हो क्या जवानी में? नहीं आप सच्ची में, हम जितना लेट मिल रहे हैं आप उतने जवान होते जा रहे हो। आंटी बोल रही है इसकी आवाज सुना दो तो थोड़ा सा बजा देते गाइस। सौरभ भाई कॉलोनी वाले कंप्लेन तो नहीं करेंगे फिर? नहीं करेंगे। हर्ष अभी सारे अपने काम में गए होंगे ना, सारे अपने काम पे गए होंगे अभी। हर्ष रेफ करना है आप? ज्यादा तेज भी नहीं, सामने वाला।
तुमको कहा था पहले ये 40% है सौरभ भाई। अरे कॉलोनी वाले बाहर आ गए सारे कॉलोनी वाले बाहर आ गए। तो यार अब हम लोग बैठ रहे हैं अमीर लोगों के साथ इनकी फॉर्च्यूनर में। इसका ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो कितना भयंकर है, भयंकर। जीटी का ग्राउंड क्लियरेंस गाइस इतना है केवल इतने से भी नीचे, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो कितना मस्त है। आई विश कभी मैं फॉर्च्यूनर मालिक। कहाँ से खुलती है सौरभ भाई? प्लीज प्लीज सौरभ भाई, थोड़ा सा थोड़ा सा ये फोन पकड़ना पहले, ये फोन पकड़ना मेरे पास है। हैप्पी होली सौरभ भाई। कोई नहीं गाइस, सौरभ भाई की तो दाढ़ी भी नहीं, मैं कहाँ लगाऊंगा। नहीं नहीं मेरे को तो लगाते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। रिवाज पूरा कर देता ना ये, लो पकड़ो। हैप्पी होली सौरभ भाई, हैप्पी होली। ऐसे नहीं करते क्या, मुंह में नहीं लगाते क्या ऐसे पूरा? वो फाग के दिन होता है ना। ओके फाग इज लाइक जलाने वाले? नहीं नहीं, जो लास्ट होली होती है मेन वाले उसमें करते हैं। अभी तो नॉर्मली हैप्पी होली। फॉर्च्यूनर को भी लगा दो भाई टीका, और जीटी का क्या हाल होगा गाइस? चलो कपड़े पे आ रहे यार, रंग भर से भीगे। ये देखिए देख फिर हटा रही हूं क्या। Let's go guys. चलो ओके गाइस, अब हम लोग बैठ चुके हैं महंगे लोगों की गाड़ी में। अमीर लोग बस इतना अमीर हो ना कि फॉर्च्यूनर खरीद पाऊं। ये क्या बात हुई भाई? कमेंट कर बताना फॉर्च्यूनर महंगी है या जीटी महंगी है। कमेंट करके बताना किसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है गाइस। सब्सक्राइबर्स ही क्या होता है यार। और बताओ सौरभ भाई क्या चल रहा है आजकल, ये तो बताओ। म्यूजिक वीडियोस एनीथिंग ये सब चल रहा है। नहीं मैं कंट्रोवर्सी के अलावा पूछ रहा था। अभी हम लंच ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। आगे चलियो तू, अभी हम ब्रेकफास्ट करके आते हैं, बाद में चलेंगे ना। गाना अच्छा लगता है मुझे गाइस। ये चेक करो सौरभ भाई, कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। सौरभ भाई गाना सुन रहे हो साहिबा? हां डेली। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, कौन सी जगह है? स्काईडेक। सौरभ भाई कौन सी जगह है? कौन सी जगह हम लोग पहुंच चुके हैं स्काई डेक। हवा बहुत चल रही है गाइस जल्दबानी में, अंदर चलते हैं नाश्ता उश्ता करते हैं। फिर हम लोग पहुंच चुके हैं एक रेस्टोरेंट में, एंड यहां पर हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। बट चेकआउट द लोकेशन यार, क्या मस्त लोकेशन, यहीं से ही पहाड़ पहाड़ दिख जाते हैं। सौरभ भाई ना बहुत बारी बोलते रहते हैं कि मैं पहाड़ जा रहा हूं, पहाड़ जा रहा हूं। सौरभ भाई कोई जगह है क्या पहाड़, ये बताओ। पहाड़ मतलब वो सारे देखो सामने पहाड़। फिर भी कोई जगह तो होती होगी ना, जैसे आप पहाड़ पे चढ़ोगे ना तो नैनीताल जाओगे तो उसको पहाड़ बोल सकते हो, अपने गांव जाओगे उसको पहाड़ बोल सकते हो। हम भी पहाड़ी है गाइस, पहाड़ी पहाड़ी गाइस। मुझे नहीं पता पहाड़ क्या होता है। अबे पहाड़ मुझे पता क्या होता है, बट सौरभ नहीं है पहाड़, पहाड़ है। आई नो ना, बट एक माउंटेन स्टेशन। ओह माय गॉड गाइस, सुबह से ना कुछ भी नहीं गाइस, इसलिए हर्ष का ना दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो रखा है। फिलहाल नाश्ता मंगाते हैं कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लगी मालिक बहुत। यार हम लोगों ने ना खाना खा लिया था, जस्ट फिनिश्ड अप, एंड व्लॉग भी अपलोड हो गया था, बिकॉज यू नो 344 गाइस, बाबू भैया के व्लॉग हमेशा 344 पे पब्लिक होते हैं। बट आज का ना टाइटल नहीं मिल रहा था। सौरभ भाई क्या रखे सौरभ भाई आज का टाइटल? सोचा नहीं था हल्द्वानी आने से पहले ऐसा होगा। न्यू बाइक की डिलीवरी लेने के लिए हल्द्वानी पहुंच गए, मॉडिफिकेशन न्यू रैप करा दी, अपनी सुपर कार में सौरभ दूसरी से मिलने पहुंच ही गए। हाँ पैसा ही पैसा होगा गाइस इस टाइटल के बाद।